who discovered this bacterium, which is called mycobacterium. It is an infectious disease. It spreads from infected person to sneezes in open, coughs, exhales, or talks. It's sitting nearby or standing nearby. So generally it affects our lungs and in extrapulmonary abdominal TB, meningitis. So this comes वर्ल्ड टीबी डे का प्रोग्राम रखा गया है. इस बार हमारा इसका टीबी डे का थीम है द क्लॉक इज टिकिंग. इसका मतलब ये है कि वी आर रनिंग टाइम आउट ऑफ टाइम टू एलिमिनेट टीबी. जैसे कि आप सबको पता है कि WHO ने 2030 में टीबी एलिमिनेट करने का वो किया है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी ने इन्होंने 2025 में टीबी एलिमिनेट करने का वादा किया है. तो हम सबको इसमें इन्वॉल्व होना है, मैक्सिमम अवेयरनेस करनी है ताकि हम टीबी को 25 में एलिमिनेट अपने पूंछ डिस्ट्रिक्ट से एड्रेस कर सकें और उसके बाद पूरे भारत को टीबी मुक्त कर सकें. तो मैम, ये वर्ल्ड टीबी डे मनाया क्यों जाता है? वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को रॉबर्ट कॉक, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन्वेंट किया था 24 मार्च 1882 को. उन्हीं की जो है इसी के में उसी को लेके आज आप चल आज चल रहे हैं वही अब हम टीबी डे मना रहे हैं. तो इसके सिम्टम क्या होते हैं टीबी के? टीबी तो दो प्रकार की होती है. एक होती है पल्मोनरी टीबी, जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जिसमें लंग्स के अलावा जिस्म का कोई भी पार्ट जो है एक्सेप्ट नेल्स और हेयर्स के कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है. तो जो मेन हमारा जो कंसर्न है वो पल्मोनरी टीबी पे है. पल्मोनरी टीबी पे इसलिए है कि अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसके स्लाइवा में जो है बैक्टीरिया होगा, तो जो भी कफ करेगा, स्नीज करेगा, इवन वो जब बात करेगा तो वो दूसरे लोगों को वो टीबी के जो है जरासीम देगा, क्योंकि दैट इज़ ए एयरबॉर्न डिजीज़ है. ये कॉन्टेजियस भी है. अगर हम एक आदमी को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो 10 से 15 लोगों को एक साल में और इन्फेक्ट करेगा. तो मैम, इस वक्त पूछ में कितने केस हैं, कितने जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं? हाँ, लास्ट ईयर हमारे 423 केसेस टीबी के डायग्नोज हुए थे और अभी तक हमारे 110 पीपल जो है इस 21 में अभी तक डायग्नोज हो चुके हैं. मैम, क्या ज़िला पुंछ के अंदर ये जो ट्यूबरक्लोसिस ऑफिस है इसके बीच में टेस्ट की कोई फैसिलिटीज़ हैं कि लोग भी यहाँ टेस्ट करवा सकें, और क्या कीमत वगैरह होती है या मुफ्त होते हैं? नहीं, ये हमारे जो सब भी टेस्ट हैं, इसमें एक मेन टेस्ट होता है हमारा बलगम टेस्ट होता है, स्पोटम टेस्ट होता है जो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. इसमें हम माइक्रोस्कोपी करते हैं और प्लस एक हमारे पास CBNOT मशीन आई है, उसमें ये टेस्ट लगाया जाता है, उसमें भी ये डायग्नोज हो पाता है कि बैक्टीरिया है कि नहीं. और CBNOT का जो है स्पोटम पे थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि उसमें अगर एक दो बैक्टीरिया भी होंगे तो वो, क्योंकि फोटोकॉपी रेप्लिकेट होते हैं, एक ही 50 कॉपीज बनेंगी, तो वो कहीं ना कहीं मिल जाता है. तो स्पोटम में हो सकता है वो ना भी कभी कभी दिख पाता है. मैम, काफ़ी लोग होते हैं जो इस बात को छुपाते हैं, कहते हैं भाई किसी को पता चल जाए कि मैं बीमारी का शिकार हूँ. उन लोगों का आप इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखो, ये छुपाने की बात नहीं है, ये कोई स्टिग्मा की बात नहीं है, ये हर इनको बताना चाहिए. अगर किसी को कफ हो, स्पोटम में ब्लड आ रहा हो, या फीवर हो, 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी हो, तो उसको आगे आना चाहिए. उसको ये डायग्नोज अपना फ्री डायग्नोसिस हो रहा है, फ्री ट्रीटमेंट मिल रही है, तो इसको आगे आके अपने टेस्ट करवाने चाहिए. 500 रुपये भी देते हैं. हाँ, और हर एक को नोटिफाई करना चाहिए, क्योंकि नोटिफाई अगर नहीं होगा, टीबी तो एक नोटिफाइबल डिजीज़ है, जैसे कि आपको पता है, अगर ये नोटिफाई नहीं करेंगे तो एक पनिशेबल ऑफेंस है, उसको 6 मंथ्स की जेल भी हो सकती है. तो उसके अलावा एज ए गवर्नमेंट जो है निक्षेप पोषण योजना के द्वारा 500 रुपया उसको ट्रीटमेंट न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए हर महीने देती है 500 रुपये, जब तक कि उसका ट्रीटमेंट चलेगा. जी, थैंक यू.